सोहिय सभना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा। विन नावे सब परम दे नित जग तोटा सहसार। मन मुख करम कमावणे हों मैं अंध गुबार। विण नावे सब परम दे नित जग तोटा सहसार। मन मुख करम कमावणे हों मैं अंध गुबार। गुरमुख अमृत पीवना नानक शब्द विचार। महला तीजा सहजे जागे सहजे सोवे। गुरमुख अनदिन उस्तत होवे। मन मुख परम सहसा होवे। अंतर चिंता नींद ना सोवे। ज्ञानी जाग है सब है सो पाए। नानक नाम रत्या बल जाओ पौड़ी। से हर नाम त्यावे है जो हर रत्या। हर इक त्यावे है इक इको हर सत्या। हर इक को वरता इक इको उत्पत्या। जो हर नाम ते आवे तिन डर सट कत्या। गुरमति देव आप गुरमुख हर जपया। जो हर नाम त्यावे है तिन डर सट कत्या। गुरमति देवे आप गुरमुख हर जपया। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत वछल कृपा निधान अनाथ नाथ जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र छत्र छाया हेठ जुड़ बैठे गुरु सब रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ तंता दे पात्र हो। अमृत वेले तो गुरु चरणा च हाजरियां भर के पहले पातशाह आदि गुरु जगत गुरु आप नारायण कला तार जग में परवरियो। निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। निरंकार अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दा जाहर स्वरूप जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जी दा व्याह पुरब
बहुत ही श्रद्धा भावना आदब ते सत्कार सहित गुरु चरणा च एकत्र हो के हाजरियां भर के मना रहे हो। अज दे दिन जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज जी का विवाह सत्कारयोग माता सुलखणी जी दे नाल बटाले की धरती गुरद्वारा कंध साहब विखे संपन्न होया। ग्रस्त मार्ग नूं जगत गुरु गुरु नानक साहब जी ने प्रमाणिकता दित्ती, लोकां दे दिलां विच जो एक प्रकार का भरम सी कि ग्रस्ती मुक्त नहीं हो सकता, ग्रस्ती केवल बंधन च ही रहिंदा है, पातशाह ने आप ग्रस्त मार्ग नूं ग्रहण करके संसार दे लोकां नूं दर्शाया कि ग्रस्त धर्म दीयां जिम्मेवारियां नूं निभाउंदिआं अकाल पुरख परमेशर की सेवा सिमरन करदिआं मनुख जीवन मुक्त पदवी नूं जीवन मुक्त अवस्था नूं प्राप्त कर सकता है। सतगुरु गुरु नानक साहब जी महाराज जी श्री सुल्तानपुर साहब विखे विराजमान ने मोदी खाने की कृत करते ने, तेरा तेरा तोलते हैं, अनेक जीवों का भला किया। भाईए जय राम के पिता जी जो बेबे नानकी दे सौरा साहब सन, बाबा परमानंद जी, तिना ने महाराज गुरु नानक साहब जी का रिश्ता बाबे मूले चोने दी मूले चोने खत्री की सपुत्री सुलखणी नाल कीता, जिन्हों बिचोलगी कहिंदे हन। सगाई लाण वास करन वास्ते शगन पाउण लई पिता कल्याण दास जी, मेहता कालू जी, होर बहुत सारे बेदी और कुल मराशी भाई मरदाना जी सुल्तानपुर साहब पहला आए, इत्थों बटाले गए। उत्थे जा करके रिश्ता संपन्न किया, सगाई की। जदों वापस आए तो भाई साहब भाई मरदाना जी ने जगत गुरु पातशाह नूं बेनती की, महाराज जजमान तुहाडे शगन ला के आए हाँ, रिश्ता करके आए हाँ, मेरी वधाई दिओ। महाराज गरीब नवाज साहब जी कहण लगे, भाई मरदाना जी अज तुहानू वधाई विच बड़ी कीमती ते निर्मोलक दात देनी है जिसका कोई मुल नहीं, निर्मोलक हीरा तुहानू बख्शना है। भाई साहब ने हथ जोड़े, महाराज कृपा करो। गुरदेव ने वचन किया, भाई मरदाना जी तुसी साढ़े लोक परलोक दे अज तो बाद कीर्तनी हो, तुहानू कीर्तन की दात बख्शदे। पिता जी ने जदों सुल्तानपुर साहब तो ननकाणा साहब वापस आना सी ते जाण तो पहला गुरु नानक साहब नू समझाउंदे आ, पुत नानक हुण तेरी शगाई कर दित्ती है, रिश्ता हो गया, हुण कोई दो पैसे जोड़ लई, पहला वांगू लुटाई ना जाई, जे दो पैसे जोड़े होणगे ते विआह विच कम आउणगे, तैनू पता है विआहां विच किन्ने खर्च हुंदे आ। पिता जी दे बचन सुन के महाराज जी मुस्कुराउंदे आ पर अगों कोई जवाब नहीं दिंदे। समा बीतिया, विआह दी तरीक मिथी गई, महाराज जी दी बरात जिहड़ी है उह श्री सुल्तानपुर साहब तों ही चढ़ी, तो श्री सुल्तानपुर साहब तों चल के जगत गरीब नवाज साहब जी महाराज रस्ते विच अनेकां थावां नूं जिवें वेरका साहब आदिक स्थान आउंदे आ उहनां नूं पवित्र करदिआं बटाले पहुँचे। बड़ियां खुशियां मनाईयां गईयां, उत्सव मनाए गए, जंज दा टिकाऊ कीता गया।
पिता बाबा मूल चंद जी ने बड़ी भारी सेवा की, क्योंकि ये भी पटवारी सन अजिते रंधावे दे पास, तो बड़े सोहने ढंग नाल आई हुई सारी बरात की सेवा टहल की। जगत गुरु गुरु नानक साहब जी महाराज जी नू जिथे अजकल गुरद्वारा कंध साहब है उत्थे लै के गई घर दे विच कुछ इस्त्रियां मखौल करन वास्ते। कच्ची कंध सी, उहदे थलड़े पासे महाराज जी नूं बिठा दिता, यह सोच के कि कंध दा धक्का कंध नूं धक्का मारांगियां कंध उत्ते डिगेगी थले आ जाणगे। एक बजुर्ग माई सी महाराज जी नूं कहण लगी, बेटा नानक इत्थे ना बैठो, आ तुहाडियां रिश्ते च लगन वालियां जिहड़ियां सालियां ने इन्हां ने मखौल कीता, ये कंध सुट देणगियां, कोई सट चोट तुहानूं लग सकती है। पातशाह ने वचन कीता, माई ये कंध चार जुगां तक नहीं ढेंदी। थले अडोल बैठ गए, जोर ला हटियां सारियां कंध सुटण वास्ते, पर उस कंध नूं टस तों मस नहीं कर सकियां। जिहड़ी उह कंध है उह अज भी बटाले दी धरती गुरद्वारा कंध साहब विखे सुभायमान। जगत गुरु पातशाह जी महाराज जी का विवाह सत्कारयोग माता सुलखणी जी दे नाल संपन्न होया। क्रिस्त मार्ग विच सतगुरां ने प्रवेश कीता। दो साहबजादे जगत गुरु पातशाह दे ग्रह विखे अवतरत होए, जन्म लै के आए बाबा श्री चंद जी, बाबा लखमीदास जी। और जगत गुरु पातशाह ने ग्रिस्त धर्म नू प्रवान करके ग्रिस्तियां नू सत्कार दिता। जिहड़े ग्रिस्तियां नू योगियां वल्लों सन्यासियां वल्लों बड़े बड़े साधुआं वल्लों तिरस्कारिया जांदा सी, निरादर किया जाता सी भी तुसी तां ग्रिस्ती हो असी उत्तम हाँ, उन्हां सारिआं दे मूँह बंद किए महाराज जी ने ग्रिस्त मार्ग नू धारण करके। ऐसे दीन दयाल सतगुरु जगत गुरु गुरु नानक पातशाह दयानिध स्वामी दे अज विआह पुरब दीआं सारीआं संगतां नू लख लख वधाईआं हन। अनेक प्रकार दे चोज आनंद वरत रहे ने, खुशियां ते खेड़े वरत रहे ने। जगत गुरु पातशाह दे चरणा विच अरजोई है, बेनती है, महाराज कृपा करो सानू भी बधाई बख्शो, अपने अमृत नाम की बधाई बख्शो, अपने चरणा की प्रीत की बधाई बख्शो, जिमें भाई मरदाने नू दित्ती आप जी ने बधाई, महाराज साढ़े ते भी तरस करो दयानिध स्वामी जी। अमृत वेले श्री मुखवाक पातशाह ने बख्शिश किए हैं, सोरठ दी वार चों अज दे पावन अमृत बचन सानू प्राप्त होए ने। तीसरे पातशाह जगत गुरु श्री गुरु अमरदास साहब जी ने सलोक उचारिया, पौड़ी चौथे पातशाह सोढ़ी सुल्तान सतगुरु गुरु रामदास जी महाराज जी उचारण कर रहे हैं। आओ समूह माई भाई अपनी रसना पवित्र करो, गुरु पातशाह दे पवित्र चरणा विच अपनियां हाजरियां लवाउंदे आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सलोक महला तीजा, विण नावै सब परम दे, नित जग तोटा सैसार। परमेश्वर दे नाम तो बिना सारा जग कमला है, विण नाम है जग कमला फिर है। परमेश्वर दे नाम तो बिना जग कमला है, कमला कहिंदे आ पागल नूं, कमला कहिंदे आ बौरे नूं। जिहड़ा पागल हुंदा है कमला हुंदा है ओही भरम दा। एक दुखांत जो पिछले कुछ समय तो वेखण नूं मिल रहा है,
कि साहब दे कुछ अस्थाना ते महाराज जी की बेअदबी जदी जिहड़ी कीती जांदी है वो बेअदबी करन वाले कुछ व्यक्ति उत्थे जदों बेअदबी करदे है बाद विच साबित कर दिता जांदा है भी यह बंदा दिमागी तौर ते पागल सी जां परेशान सी। खबरे ऐसा क्यों कि दिमागी तौर ते वह परेशान मनुख केवल गुरु ग्रंथ साहब की ही बेअदबी करदा उहनू अपने घर दे मैंबर नहीं दिसदे भी जाके उन्होंने भी वड्डे कट्टे और उन्होंने बचाण वास्ते इदां दे कई प्रकार के शोशे बनाए जाते। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु घर दे विच जो प्रबंधक ने उन्होंने उत्थे पहरे की सेवा करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा कमला जिहड़ा पिंड दे विच नगर दे विच कोई है भी है तो गुरु घर दे नेड़े फिरदा होवे तो उहदा ख्याल रखिया जावे। तो जे कोई इहो जिहा कमला इहो जिहा दिमागी तौर पर परेशान महाराज जी का स्वरूप जां सतगुरां दी बेअदबी करदा है तो बाद विच बचाउण वास्ते उहदे ते लेबल ला दिता जावे तो फिर इह सही नहीं है। फिर उन्हों उचित दंड भी मिलना चाहिए, सज़ा भी मिलनी चाहिए है जिहड़ी खालसे की मर्यादा के अनुसार होंदी है। कानून जदों सज़ा देवेगा वह बाद विच वेखी जाएगी। उन्होंने तो कह ही देना भी मानसिक तौर पर परेशान सी जी तां इदां कीता। जिहड़ियां खालसाई रवायतों के मुताबक सज़ा मिलती है वह भी देनी उचित है। खैर विशा बाहर नूं चला गया। निरंकार परमेशर दे भजन तो बिना सारा जग ही कमला है, सारा संसार ही कमला है। हुण जिहड़ा कमला होवेगा वह भरमेगा, उहदे अंदर भरमण घेरी बनी रहेगी। आम साडे पंजाबी दे लफ़्ज़ां च कह दिंदे है जिहड़ा कमला होया होवे कहिंदे इहदे चक्कर वधे होए ने। आम कोई दिमागी तौर पर इदां दा हो जाए तो कह दें दे चक्कर वधे हुए ने, यानी कि चक्कर वधे हुए ने भरम रहा। तो ये भरमण घेरी जिहड़ी है मनुखी दी मनुख दी भावें दुनिया के कागजां विच कहा जांदा होवे बड़ा सियाणा बड़ा सूझवान है बड़ा बुद्धिमान है, पर जे परमेशर दे नाम तो विहूणा तो फिर कमला ही है। परमेशर दे नाम तो बिना सब भरम दे ने, विण नाम है सब भरम दे। निरंकार दे नाम तो बिना सब भरम दे ने, नित जग तो टस है सार। उन्हां नूं नेते संसार दे विच जग वाला तोटा लगा रहिंदा। आ जिहड़ा संसार वाला तोटा है ये नित जग दे विच उन्हां नूं लगा रहिंदा, भाव वो सदा रोंदे कुरलोंदे ही रहिंदे ने। चंगे भले खांदे पींदे भी हाए हाए करदे ही सुनाई देंदे, हाए मर गए हाए घाटा पै गया हाए जे आ कम ना होया। वो इदां परेशान ही दिसदे आ, संतुष्ट नज़र नहीं आउंदे, संतुष्टि उहनां दे विच नहीं दिसदी, क्योंकि जग वाला तोटा उहनां नूं हमेशा ही लगा रहिंदा। जग तोटा जग वाला तोटा ये जग वाला घाटा उन्होंने हमेशा ही पैंदा रहिंदा है। मन मुख करम कमावने होमै अंध गुबार। जेडे मन मुख ने वो कोझे ते भैड़े कर्म कमाउंदे हन। मन मुख करम कमावने, मन मुख बंदे खोटे बंदे वो हमेशा भैड़े ते माड़े कर्म कमाउंदे ने। ते जे कोई एक अद्धा वो चंगा कर्म कमाउण भी तां वी उहनां दे अंदर होमै हुंदी है, मैं कीता ये चंगा काम, मेरे बिना नहीं सी होणा। ये इन्ने सालां तों ये काम नहीं सी होया, मैं कीता है। इदां दा हंकार इदां दी होमै मनमुख दे हिरदे विच जे कोई वो चंगा कर्म करदा तां वी बन जांदी। उहदे अंदर अंधकार है, अज्ञानता का गुबार भरिया होया।
अंध गुबार, अंध का मतलब अग्ञानता, गुबार का मतलब होंदा हनेरा। उहदे अंदर हमेशा हमेशा अग्ञानता का कुप हनेरा बनया रहिंदा है। गुरमुख अमृत पीवना नानक शब्द विचार। गुरमुख जेड़े ने ओ गुरु दे मुख द्वारा नाम अमृत नूं पींदे हन। मनमुख भटकदे ने, मनमुख भरमदे ने, गुरमुख अमृत पींदे हन। अमृत की है? ये विचारदे ने ओ सतगुरां दे शब्द विच, नानक शब्द विचार। धन गुरु अमरदास साहब कहिंदे शब्द दी विचार करके गुरमुख अमृत पींदे ने, वो अमृत नूं पहुँचदे ने, वो अमृत दे वपारी बनदे है जिहड़े गुरमुख जन हन। गुरबाणी दी विचार करके, शब्द दी विचार करके गुरमुख अमृत पहुँचदे हन। महला तीजा सहज जागे सहज सोवे। गुरमुख सहज ही जागदे ने, सहज ही सौंदे ने, यानी कि उन्हां दी जितनी भी किरिया है शरीर दी वो बड़े सहज विच हुंदी है। उन्हां दा नितनेम भी बड़े सहज विच हो जांदा, गुरु घर दी यात्रा भी बड़े सहज नाल हो जांदी है। जैसे साह लेना साडे लई एक सहज प्रक्रिया है, तैसे नितनेम उस नूं कहिंदे ने जिहड़ा बिना किसी ताण तो, बिना किसी बल तो सहज ही हो जाए। तो गुरमुख का जागना भी सहज विच है, सानू जागण लई भी बड़ा पुरशार्थ करना पैंदा, उठण वास्ते भी बड़ी हिम्मत करनी पैंदी है, तो शुरुआत विच लोड़ पैंदी भी है। पर जिवें जिवें अभ्यास पकदा जाए, साल छे महीनिया तुसी मर्यादा बना लो, नेम बना लो भी इन्ने बजे उठना है, रात नूं तुसी जिन्ने बजे मर्जी लेटो उस वेले जाग आ जाएगी सुभाविक, मुड़ के नींद नहीं आउंदी। उदा भावें आलस करके पलगे दे उत्ते लेटिया रहे पर नींद नहीं पवे। गुरमुखां दा जिहड़ा नितनेम है जागण दा, वो सहज ही हो जांदा, उन्हां दा सौना भी सहजे है। हाँ जी, गुरमुख आन दिन उस्तत होवै। जिहड़े गुरमुख ने वह रात दिन निरंतर अठे पैर वाहिगुरु परमेश्वर की उस्तति करते हैं। अठे पैर वाहिगुरु परमेश्वर की विधाते की उस्तति करते हैं, उन्हां दी रसना तो हमेशा वाहिगुरु परमेश्वर की शोभा उच्चरी जाती है। गुरमुख नादंग, गुरमुख वेदंग, गुरमुख रहा समाई। गुरमुख अपनी रसना तो नादंग गुरबाणी का कीर्तन करदा हर वेले। कीर्तन करद्या करद्या किते मन उपराम होण लगे तो फिर गुरमुख वेदंग, गुरमुख अपनी रसना द्वारा गुरबाणी नूं विचारदा है। विचारद्या विचारद्या अकह जिहा रस आवे तां फिर गुरमुख उस अकह रस विच अपने आत्मक आनंद विच समा जांदा। गुरमुख रहा समाई, समा जांदा। गुरमुख हमेशा अन दिन रात दिन निरंतर वाहिगुरु परमेश्वर की उस्तति करता है। सुते पिया भी तिसदे अंदर परमेश्वर की सिमरति बनी रही है। ऐसे गुरमुख किते रात नूं सुते पिया सुभावक उन्हां दी अख खुले तां भी उन्हां दी रसना तो वाहिगुरु परमेश्वर का गुरमंत्र हुंदा है। तो अठे पैर निरंतर उन्हां दे स्वास जो हर साह नाल परमेश्वर का चिंतन करते ने,
तो इस प्रक्रिया द्वारा वो रात दिन परमेश्वर की उस्तत करते हैं। मन मुख परम सहसा होवे, दूजे पासे मन मुख दे अंदर परम पिया रहिंदा, की करिए किवें होवे। उस परम करके मन मुख दे अंदर सहसा डर बनया रहिंदा। सहसा दा इत्थे अर्थ करांगे डर। जिथे परम होवेगा, परम बीज है डर दा। किसे प्रति साडा परम बन जाए फिर उस परम तो डर भी पैदा हुंदा, किते आ काम ना कर दे। जिथे परम दा बीज बीजिया जांदा है उत्थे डर दा बूटा पैदा हो जांदा है। जिथे परम नहीं उत्थे डर भी नहीं। परम पै गया है रस्सी नू वेख के सप पिया, ते जदों परम पै गया रस्सी नू वेख के भी ये सप है, ते फिर सुभाविक है उत्थे डर भी आ जाना भी सप है। जिथे परम होवेगा उत्थे डर है। तो मनमुख दे अंदर हमेशा परम है, ते फिर परम दे नालो दा हिरदा हमेशा डर विच रहिंदा, सहम च। हाए किते ऐसा ना हो जाए, हाए किते ऐसा ना बन जाए। ते गुरमुख अंदर ऐसा टिका हुंदा, जो होवेगा वाह वाह होवेगा, जो होया वह भी वाह वाह होया, ते जो हो रहा है वह भी वाह वाह है। ते दूजे पासे मनमुख दे अंदर परम है, ते फिर वो डरिया होया रहिंदा, सहमिया होया रहिंदा है। अंतर चिंता नींद ना सोवे, अंदर उहदे चिंता दी तुख तुखी लगी रहिंदी है। मनमुख दे चिंता दी उस तुख तुखी करके उहनूं नींद नहीं पैंदी, वो सुख दी नींदे नहीं सौंदा। चिंता अनेकां बीमारियां दी भी जनक है। अजकल तां डाक्टरां दे कोल भी जाके यही डाक्टर भी यही कहिंदे आ, टेंशन नहीं लैनी, चिंता नहीं करनी, क्योंकि चिंता होर बहुत सारियां बीमारियां नूं न्यौंदा दे दिंदी है। चिंता तो ही पेट दे रोग उपजदे हन। जदों कोई डिप्रैशन च हुंदा, जदों कोई मानसिक तनाव विच हुंदा, ते सुभाविक है उहदा पेट भी गड़बड़ होवेगा, पेट विच भी असर हुंदा। ते जदों पेट दा कोई रोग व्यापदा फिर सारा शरीर रोगी हो जांदा, सुभाविक है। पर वो चिंता मानसिक तौर ते अध्यात्मक तौर ते भी बड़ी परेशान करदी। शरीरक तौर ते तां करदी है, पर मानसिक तौर ते भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करदी है। की करिए जी, चिंता हो जाती है, सुभाविक है, मनुखी प्रकृति ऐसी शरीर की। पर गुरबाणी नू पढ़द्या, गुरबाणी नू सुनद्या ते विचारद्या, जदों पातशाह दे अमृत बचन सुनी दे ने, एक बार चिंता दूर हो जाती है, तनाव दूर हो जाता है। कि जो मेरा करता कर रहा उही हो रहा है, ते फिर जो मेरे करते ने करना मैं उसकी चिंता क्यों करा। चिंता तो मैनू ता होनी चाहिए है जे करते तो अलावा किसी दूसरे के हाथ में कुछ करन दी समर्था है। मैं अक्सर ये उदाहरण दिना, एक बड़ा सूरवीर बहादुर योधा, बड़ा दलेर सूरमा, हाथ में उहदे तलवार है, उहदी घरवाली उहदे कोल खड़ी है। वह कहिंदा मेरे कोलों सारे डरदे ने, शस्त्रधारी हाँ, सूरमा हाँ, कि तेनू मेरी इस तलवार तो डर नहीं लगता। उहदा बड़ा प्यारा बचन सी कि जे तलवार मेरे पति ने आप अपने हाथ च फड़ी है फिर मैनू डर किस बात का। बगाने दे हाथ विच होवे तां मैं डरा, भय पीत होवां। जे मेरे स्वामी ने पकड़ी है फिर ये चिंता किस गल की, ये डर किस बात का। गुरमुख की यही अवस्था है, जे करता मेरा स्वामी है
ते फिर मैनू किस गल की चिंता, किस गल का फिक्र। पर मनमुख अंदर ऐसी प्रतीत नहीं हुंदी, मनमुख अंदर ऐसा भरोसा नहीं हुंदा। तो पातशाह कहिंदे मनमुख दे अंदर चिंता है, और उस चिंता दे वस होया नींद ना सोवै, उहनूं नींद नहीं पैंदी, उह नहीं सौंदा। ज्ञानी जागहै सबहै सो पाए। दूजे पासे कोई तत्व ज्ञानी है, ਉਹਦਾ ਜਾਗਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੌਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੁੱਚ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਚਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੁੱਚ ਲੱਗਾ, ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਓਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਕੋਈ ਖੇਚੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਗਣ ਲਈ ਔਰ ਸਵਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤਿਆ ਬਲ ਜਾਓ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਪੌੜੀ ਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਆਵੈ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰਤਿਆ। ਪੌੜੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੌਣ? ਜੋ ਹਰ ਰਤਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਆਵੈ ਹੈ ਇੱਕ, ਇੱਕੋ ਹਰ ਸਤਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਾਧਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਝ ਸੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੀ ਸਤਿਆ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕੋ ਵਰਤੈ ਇੱਕ, ਇੱਕੋ ਉਤਪਤਿਆ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕੋ ਵਰਤੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਉਤਪਤਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਹੈ ਤਿਨ ਡਰ ਸੱਟ ਕੱਤਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੱਟ ਕੱਤਿਆ, ਸੁੱਟ ਕਿਤੇ ਆ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡਰ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਭੈ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਭੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮਤੀ ਦੇਵੈ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਜਪਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਤ, ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਰਾਗ ਤਨਾਸਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ,
गुर के चरण जी का निस्तारा। राग तनासरी है और पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव साहब जी दे अमृत बचन। गुरु के चरण, गुरदेव दे चरण, गुर चरण, इन्हों का जिक्र बार बार गुरबाणी विच आउंदा। गुरपूरा चरनी लाया, चरण कमल राखो उरधार। चरण जेड़े चरणा की भावना हिरदे विच आउंदी, इहनू दासा भाव कहिंदे है। भगती दे कई प्रकार ने, उन्हां विच्चों सब तो प्यारा भाव है दासा भाव। ते दास हमेशा अपने प्रभु दे मालक दे चरणा वल वेखदा है। दासा भाव गुरु घर विच नौवें जामे तक दासा भाव दी इह भगती रही है। तो ऐसा नहीं कि बाद च समाप्त हो गई, पर दासा भाव दे नाल नाल गुरदेव ने खंडे दी पौल छकाण दी मर्यादा प्रारंभ कीती कि जे कोई जरवाणा तुहाडे इस दासा भाव नूं समझण लग पए भी इह तां कायर ने, इह तां डरपोक ने, इह तां सीस झुका के रहिंदे आ, जे इहनां ते जुलम करो तां फिर उहनां नूं अगों अपना शस्त्र विखा के विखा दिओ कि दासा भाव धारण करना साड़ी कायरता जां बुगदली नहीं है। यह साड़ा साड़े मालक प्रति भाव है। जुलम दे खिलाफ लड़न वास्ते साडे हत्थां विच तलवारां भी ने, शस्त्र भी ने। दासा भाव दी भगती है चरणा वल वेखना, चरणा की आराधना, चरणा का ध्यान अपने प्रभु दे चरणा का। इत्थे कह रहे ने गुर के चरण, मेरे गुरु दे जेड़े चरण हैं, जी का निस्तारा, संसार दे जीयां नूं तारन वाले हैं। इस जीव नूं इस भाव सागर तो तारन वाले ने मेरे सतगुरु जी दे चरण। समुंद सागर जिन खिन मह तारा। जिस गुरु ने, जिस गुरु दे चरणा ने आ जेड़ा समुंदर है संसार, आ जेड़ा संसार सागर है, महाराज जी ने एक खिन च तार दिता उन्हां नूं जिन्हां नूं अपने चरणा का आसरा दिता। तुसी आखोगे नाले समुंदर है, फिर इहनू एक खिन च किवें तरिया जा सकदा है। इहदे बाबत गुरु कलगीधर जी ने अपनी पवित्र बाणी जो गुरदेव ने तख्त सचखंड श्री हजूर साहब की धरती ते लंगर साहब के पिछले पासे जो निहंग सिंघां दी छावनी है सरबलो दा बूंगा, उस जगह ते बह के एक पावन बाणी की रचना महाराज जी ने की। उस पावन ग्रंथ का नाम है सरबलो ग्रंथ। कलगीधर स्वामी उत्थे लिखते है, दशमेश जी गुरदेव का फुरमान है, कहिंदे जमीन विच गोखोर होवे, अजकल जिवें बरसातां दे दिन ने कच्चे थां दे उत्ते गऊ लंघ के जावे उहदे पैर दा जिहड़ा निशान पै जांदा जमीन ते उहनूं कहिंदे गोखुर। गोखुर को भवसागर वत, भवसागर को गोखुर वत तर गए। हुण उह जिहड़ा गोखुर है उत्थों कीड़ी ने उस गोखुर नूं पार करके जाना होवे उहदे लई बड़ा वड्डा समुंदर है।
क्योंकि वो पानी भर गया। कीड़ी ने लंघना होवे उस गोखुर तो उन्हों पार लई पार जाना होवे उहदे लई बड़ा वड्डा समुंदर है, बड़ा औखा उहदे लई लंघना। पर जे आपां लंघना होवे एक कदम पुट्टिया नाल ही पार हो के चले गए। इन बिन इसे तरह जिहड़े वाहिगुरु परमेशर दे चरणां दे आश्रित हो जांदे आ नाम नूं जपण वाले, उहनां लई इह संसार समुंदर उस गोखुर दे समान है। उह इदां तर गए ते नाम भी होने बंदे कीड़िया दे मने दे ने उन्हां लई तरना बड़ा औखा कठिन है। इसे गल नूं समझाउण लई एक होर उदाहरण आउंदी है। दरखत दे उपरले शिखर दे उत्ते अंब दा फल लगा जां कोई भी फल लगा, कीड़ी ने उस फल ताईं पहुंचना होवे उहदे लई बड़ी लंमी यात्रा है। वो तने तो चलेगी, पता नहीं किना किना टहणियां तो हुंदी हुई उस फल तक पहुँचेगी। पंछी बैठा होवे जमीन ते उहदे लई उस फल तक पहुँचना किन्ना औखा है, इको छोटी जी उडारी मारनी है फल नूं प्राप्त कर लेना। केवल कर्मकांडी मनुखां लई उस फल तक पहुँचना बड़ी लंबी यात्रा है। नाम जपण वाले पंछी दे मनेंद उस मुक्ति दे फल नूं प्राप्त कर लैंदे हन। इस करके इत्थे कह रहे ने समुंद सागर जिन खिन मह तारा। आ जिहड़ा संसार समुंदर है बड़ा गहरा सागर है, नाम जपण वाले गुरमुखां ने जिहड़े गुरु चरणां नाल जुड़े हुए ने उहनां नूं सतगुरां ने एक खिन विच इस भव सागर तो तार दिता। रहाओ कोई होआ करम रत, कोई तीरथ नाया। ही यात्रा की गल आ रही जो कीड़ी की यात्रा है उस फल तक पहुँचने की। महाराज जी कहते इस तरह बहुत लोग ने जेडे केवल कर्मकांडी हैं, कोई कर्मकांडा बेच ही लगा हुआ। नहीं जी इदा करना इदा करना, कर्मकांड शुरुआत होंगे ने उस तो अगे उपासना है, उस तो अगे ज्ञान है। बहुते केवल कर्म तक ही उलझ के रह गए, अगे वधे ही नहीं, अगे गए ही नहीं। तीन कांड ने कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। शुरुआत कर्म तो ही चलती है, पर कर्म तो अगे फिर उपासना है, फिर उपासना तो अगे ज्ञान है, फिर ज्ञान तो बाद अवरण दा पर्दे दा नाश हुंदा। मन दियां तीन विरतियां ने मल विक्षेप ते अवरण। गौ नाल ध्यान नाल इह गल्लां सुण के साडी सिमरति च सानू चेते रहणियां चाहीदियां ने, वैसे अक्सर बाहर निकलदियां सानू भुल जांदियां ने। मन दियां तीन विरतियां ने मल विक्षेप ते अवरण। मल किस नूं कहिंदे आ, जिहड़ी जन्मा जन्मा दे इस मन नूं मैल लगी हुई है। दूसरा विक्षेप ताई चंचलपणा, एक जगह ते ना टिकणा, ये भी मन की बिरती। तीजा ये पड़दा पिया होया अग्ञानता का। जो मल है मैल वो निर्विरति होंगी निष्काम कर्मा नाल, कामना रख के किते कर्मा नाल नहीं। निष्काम हो के जदों तुसी गुरु घर आउंदे हो, निष्काम हो के जदों झाड़ू फेर दो, निष्काम हो के जोड़े झाड़ दो, निष्काम हो के भांडे मांज दो, निष्काम हो के गुरबाणी पढ़ दो, तो उस वक्त मन की जिहड़ी वो मैल है वह निर्विरत होंदी है कर्मकांड नाल। इहनूं कर्मकांड कहिंदे। उस मन में जिहड़ी चंचलताई है विक्षेपताई वो उपासना नाल दूर होंदी है। जदों तुसी पोथी फड़ के बड़े प्यार नाल गुरबाणी पढ़दे, गुरु की संगत विच नेत्र मूंद के कथा सुणदे हो, कीर्तन सुणदे हो एकाग्रता बनाउण लई, फिर वह मन की एकाग्रता बननी शुरू होंदी है। इहनूं कहिंदे उपासना। तीसरा जो पड़दा पिया होया विद्या ते अज्ञानता दा, उस दी निर्विरति हुंदी है ज्ञान। जदों मन एकागर हुंदा फिर वो ज्ञान वाले पासे नूं चलदा। पर बहुते केवल कर्मा तक ही रह गए, अगे वधे ही नहीं। उन्हां आख्या तीर्थ यात्रा ते ही केवल इत्थों ही सब कुछ मिलना, वो अगे टुरे ही नहीं।
साधना वाले पासे नहीं आए। इत्थे गुरदेव कहिंदे है भी कोई तां कर्मा विच ही रंगिया होया, कोई होवे कर्म रत कर्मा दे विच, कोई तीर्थ नहाया, कोई तीर्थां ते नहाउंदा फिरदा जाके। ऐसा नहीं कहा भी तीर्थां ते तुसी इशनान बंद कर दो, बस उत्थे तक ही सीमित रहना, खूह दे डड्डू वांगू अगे नहीं वधना। किसी धर्म स्थान ते असी जांदे हाँ, यात्रा करन दा प्रयोजन हुंदा भी उत्थे जा के कुछ समा सकून नाल आनंद नाल गुरबाणी पढ़ांगे, भजन करांगे, तदे असी धर्म जो उत्थे धर्म स्थान ते भी जा के असी खरीदो फरोख्तां विच पए होए हां भी आह चीज़ सस्ती मिलदी, आह खरीद लो इत्थों आह चीज़, ते भजन वाले पासे आए ही नहीं, सिमरन वाले पासे टुरे ही नहीं भी चलो जिहड़ा कुछ समा मिलिया एकांत दा आए हाँ, कोई रब रब कर लिए, गुरबाणी पढ़ लिए, कीर्तन सुन लिए, बह के दरबार च हो रहा है, तो उत्थे टोरे फेरे करके सैर सपाटे करके मुड़ आईए, फिर तीर्थ यात्रा दा की लाभ होया। एक बार एक भगत तुलसीदास जी कहिंदे किते गए ते पिछों कोई महापुरुष आया मिलन, यात्रा ते गए, उन्हें आख्या भी किते, कहिंदे यात्रा ते गए, कहिंदे यात्रा ते थोड़ी गए है, वो तां मूर्तियां खरीदन गए। तुलसीदास जी मूर्तियां खरीद के लियाए, घर आए, चेले ने दसिया भी इदां कोई साधु आया, मैं आख्या तीर्थ यात्रा गए, कहिंदे वो यात्रा ते थोड़ी, उहदा मूर्तियां खरीदन गया। एकदम तुलसीदास दे वाकई गल तो वो सही सी, वो मूर्तियां वापस करन टुर गए। पिछों फिर महात्मा आए, कहिंदे हुण यात्रा ते गया जी, फिर तीर्थ, वो कहिंदे हुण तीर्थ यात्रा ते थोड़ी गया, वो तां मूर्तियां वापस करन गया। फिर तीजी बार जाना पिया, कहण तो भाव असी केवल वेखदे हाँ, खरीदो फरोखत वेखीए भी आह भी लै लिया, हाँ जे कुते कोई जरूरत की वस्तु है। कई बार कई स्थानां ते जाने सानू उत्थों ककार मिलते हैं, पिंडां नगरां दे विच नहीं मिलते, ते असी लोड़ है तो खरीद सकते, पर केवल ऐशो प्रस्ती वास्ते जां केवल सैर सपाटे वास्ते घूमण घेरी करन वास्ते ही असी मेला वेखण ही गए हैं, फिर कादी तीर्थ यात्रा। बड़िया लोगों ने तीर्थां नूं गंधले करके रख दिता, हेमकुंड साहब वर्गे पवित्र तप स्थानां दी यात्रा लोग सैर सपाटे वास्ते करन टुरन लग पे, भी चलो हिल स्टेशन है, पहाड़ी इलाका है, मौसम वधिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जेडे महत्व नहीं समझते, कहिंदे कई केवल तीर्थ नहाउण विच ही लगे हन। दासी हर का नाम ते आया, दासी मैं, दासां ने तां केवल हरी दा नाम ते आया है, मैनू कुछ होर नहीं आउंदा, मैं तां केवल एक हरी परमेश्वर दे नाम नूं ते आया है। बंधन काटन हार स्वामी, मेरे स्वामी जी बंधन कटन वाले हन, सारिया बंधना तो मैनू मुक्ति देन वाले हन। जन नानक सिमरै अंतर जामी, ऐसे बंधन कटन वाले स्वामी नूं गुरु अर्जन देव साहब जी कहिंदे मैं उस अंतरयामी नूं सिमरदा हाँ, आराधदा हाँ। आसरी महला पंजवा कितै प्रकार न टूटो प्रीत, पंजवें पातशाह फरमाउंदे आ किसे भी प्रकार मेरी मेरे मालक नालों प्रीत ना टुटे, भावें कुछ हो जाए प्रीत ना टुटे। भगत जी लई समस्या बन गई, मीह पैंदा सी, गलियां च चिक्कड़ सी, वेख्या जे रह गया प्रीत टुट जानी है, जे जावां तां प्रीत निभ जानी है, कहते चल पे कोई गल नहीं, किसी भी प्रकार नाल मेरी मेरे मालक नालों प्रीत ना टुटे, भावें कुछ हो जाए। दास तेरे के निर्मल रीत, हे वाहिगुरु जी तुहाडे दासां दी निर्मल रीत है, निर्मल उन्हां दी जिहड़ी मर्यादा है तुहाड्या दासां दी, ओ निर्मल ते पवित्र है। रहाओ
जे प्राण मन धन ते प्यारा। मैनू अपने जी तो अपने प्राणा तो अपने मन ते धन तो भी मेरा रब प्यारा है। मैनू मेरी जिंद जान तो भी मेरा परमेश्वर प्यारा है। मैं बंद हर देवन हारा। मेरा हरी वाहिगुरु परमेश्वर देवन हार है, पर मनुख हो मैं दे बंधना विच पया होया। चरण कमल स्यो लागो ने हो। मेरी उस वाहिगुरु परमेश्वर दे चरण कमलां नाल प्रीत लग जाए, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨੇਹ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨੇਹ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਕਰਨਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, 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 ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ।